what is the tree grow, how we can get it. Suppose we will use this column formula, right? And this is my paper, my field data. In this I have a very huge large data, so suppose this is my data and मैं फाइंड करना चाहूँगी कि ये जो सेल है, ये देख सकते हैं आप डेटा बहुत लार्ज है, तो मैं ये एक सेल ले लेती हूँ और इस सेल का मैं अब पता करना चाहूँगी कि ये कौन से कॉलम का कॉलम, ये जो सेल है कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी, इसने 30 दे दिया, तो वो ये जो सेल है तो पर्टिकुलरली इसने बताया, कॉलम फॉर्मूला ये बताता है अगर आप किसी सेल का नाम लेते हैं उसके अंदर कॉलम फॉर्मूले के अंदर, तो ये बताता है कि ये जो कॉलम है 30 कॉलम है, राइट। और अगर आप इस फॉर्मूले में इज इक्वल्स टू कॉलम, आप कॉलम फॉर्मूला लेते हैं, तो कॉलम फॉर्मूला में आप देखेंगे रेफरेंस मांगता है, तो यही मैंने रेफरेंस दिया, रेफरेंस बोले तो सेल का नाम दिया और उसने बता दिया ये सेल 30th कॉलम के में से बिलोंग करता है। तो अब कॉलम, अगर मैं यहाँ पे सेल का नाम नहीं देती रेफरेंस में, सिंपली एंटर कर देती हूँ, तो ये मुझे 5th बता रहा है। 5 कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि आप देखेंगे ये जो कॉलम है ई, एक्सेल का ई कॉलम है, तो ई आप ए जो है एक्सेल में फर्स्ट कॉलम कहलाता है, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, ई फिफ्थ कॉलम। तो जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले के अंदर कोई सेल नहीं लिया, तो इसने इस कॉलम का बता दिया कि ये 5th नंबर का कॉलम है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई सेल लेते हैं, सपोज मैं अब की बार मैं ये सेल लेती हूँ F16 और एंटर करती हूँ, तो ये 6th कॉलम है, राइट, एक्सेल का 6th कॉलम है जो कि इसने बताया। अब सपोज मैं कोई रो पता करना चाहूँगी, मैं ये पता करना चाहती हूँ कि ये रो, मैं सिंपली जैसे उसने कॉलम पता किया ऐसे ही रो पता कर सकते हैं हम रो फॉर्मूले से। रेफरेंस में लेंगे सेल, कोई भी सेल ले लेती हूँ मैं, सपोज मैं ये सेल लिया, तो इसने 20 रो पे ये प्रेजेंट है जो मैंने सेल रेफरेंस इसमें दिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई सेल नहीं लेती, तो 6th नंबर की रो है, 6th नंबर की रो पे हमारा कर्सर है, राइट, ये 6th नंबर की रो इसने सिंपली निकाल के दे दिया जो एक्सेल से बिलोंग करता है। और यही फ़र्क है कॉलम और कॉलम एंड रो हमने देखा, अभी हम कॉलम एंड रोज भी देखते हैं, उससे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कॉलम एंड रोज में क्या फ़र्क है। कॉलम्स जो है हमारी पर्टिकुलर, हम जो रेंज लेंगे, एरे लेंगे, उस एरे में कितनी कॉलम्स हैं ये आपको फाइंड आउट करके दे देगा, बता देगा। सपोज कि ये एक मैं एक फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ, मैंने ये कॉलम्स लिया, अब मैं यहाँ पे कोई एरे ले लेती हूँ, सपोज मैं ये एरे सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैंने ये रेंडमली सेलेक्ट किया है, ये मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी कॉलम्स सेलेक्ट कर ली हैं, राइट, और मैं इस एरे की मैंने कितने कॉलम्स हैं इस एरे में, इस रेंज के बीच में मैं एंटर कर रही हूँ, तो 30 कॉलम्स सेलेक्ट की है मैंने इस रेंज के बीच में, 30 कॉलम्स हैं, राइट। अगर मैं G7 की जगह G7 की जगह अगर मैं
चलिए मैं F7 कर देती हूँ, तो 31 कॉलम्स हो गए। ऐसे ही हम रोज़ देख सकते हैं कि जो मेरा डेटा मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कितनी रोज़ हैं। दोबारा से लिख ले रही फॉर्मूला। तो ये जो है ये एरे मांगता है, ये देख रोज़ और कॉलम्स जो प्लूरल है वो रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल के देगा या नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको बताएगा उस पर्टिकुलर डेटा रेंज में कितनी है। तो मैं अब ये रैंडमली कुछ रोज़ सेलेक्ट कर रही हूँ, या यहाँ से ना लेके ये मैंने कुछ रोज़ ले ली, लेकिन मैं कुछ चेंज कर देती हूँ उसमें। ई से ना लेके E15 तक ले रही हूँ, और देखते हैं E15 से लेके S29 तक कितनी रोज़ आ रही हैं। तो इसने 15 रोज़, और यही मैं अगर फोर से लेती हूँ तो 26 रोज़ आ रही हैं। तो ऐसे रोज़ और कॉलम्स यही हमने डेफिनेशन में लिखा है। कॉलम और रो पर्टिकुलर सेल को बताएगा कि वो किस रो और कॉलम से बिलोंग कर रही है, जबकि कॉलम्स एंड रोज़ एक एरे के अंदर कितनी रोज़ या कॉलम्स हैं वो आपको फाइंड आउट करके देगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़ प्रेजेंट इन द प्लेलिस्ट, डू कमेंट, कीप शेयरिंग योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।